मुरादाबाद के थाना कोतवाली के क्षेत्र बुद्ध बाजार पुलिस चौकी के सामने कोठीवाल नगर में मौजूद नितिन इलेक्ट्रॉनिक की दुकान के ताले तोड़कर चोर दुकान में रखी लगभग 1,70,000 रुपए की नकदी व LED चुरा कर ले गए हैं। 17 अगस्त की सुबह दुकान मालिक थाना कोतवाली क्षेत्र सागर सराय निवासी नितिन कुमार जब सुबह चौकी के सामने मौजूद अपनी दुकान पर पहुंचा तो देखा कि शटर में लगे ताले टूटे पड़े थे। अंदर दुकान में रखी लाखों रुपए की नकदी के साथ कीमती LED भी गायब थी। नितिन कुमार की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने दुकान का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज को देखकर चोरों की तलाशी का काम शुरू कर दिया है। पुलिस चौकी के ठीक सामने मौजूद इलेक्ट्रॉनिक की बड़ी दुकान में हुई चोरी की वारदात से दुकानदारों में खौफ का माहौल बन गया है। आज ही शहर कोतवाली का चार्ज लेने वाले शहर कोतवाल रविंद्र प्रताप सिंह भी दुकान में हुई चोरी की सूचना मिलते ही फोर्स व अपने तेज तर्रार पुलिसकर्मियों के साथ दुकान का मौका मुआयना करने पहुंच गए थे। इंस्पेक्टर कोतवाली ने ये दावा किया है कि जल्द ही इस चोरी का खुलासा कर चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बुधवार सुबह क्या मामला था देखा आपने अंदर के? क्या देखा अंदर के आपने? आज के ये शटर उठा हुआ था। किसने बताया आपको? मोहल्ले में से फोन करे थे। अच्छा, फिर यहाँ आए तो ये शटर इतना आधा शटर काउंटर से नीचे था। पुलिस वालों को बुला के लाए, पहले मैंने खोला नहीं, मैंने अपने पुलिस वालों को बुला लूँ वो देख लें। उन्होंने आते हैं फोटो वगैरह नीचे, फिर शटर उठाया, फिर उन्होंने ये सब आके चेक किया। गल्ला हमारा वहाँ पड़ा था तो वो लोग उन्हें ले गया वहाँ पर सोने में। वहाँ से उन्होंने गल्ला उठाया और गल्ले में पैसे निकले पड़े 50 के 100। गल्ला कितना ले गया लगभग? हैं, कितना गल्ला ले गया? 170। रिपोर्ट दर्ज करा दी आपने? हाँ, रिपोर्ट दर्ज करा दी। क्या कहा पुलिस ने? ये बताया जैसे आप बता रहे हो, आप तो इंक्वायरी करने आए थे तुम्हारे कमर साहब जो कि इंक्वायरी करते हुए और फोटो वगैरह खींचा। उन्होंने गली में जाकर सब वो फोटो देखे तो उसमें हाथ आ गया, वो उसमें तो फोटो हाथ आ गया। उसकी गाड़ी से आया था वो, ये बैटरी वाले रिक्शे से आया था। इतना बड़ा सरिया था उसका, वो लाके उसी में इधर गली में आ गया।